गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दूसरी क्लास बहुत ही उम्मीदों के साथ आ जाइए जल्दी से। कंपटीशन की मैथ अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा पार्ट आप लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी ट्रिक जो आपके कंपटीशन में बहुत ही कंफर्टेबल होने वाली है, बहुत ही अच्छी आपको लिए साबित होगी। जैसे आपके कंपटीशन के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आपको सोचने का ज़्यादा टाइम लगता है ना, फिर आपका समय बीत जाता है, क्वेश्चन छूट जाता है, वो ना होने पाए हमारी ये कोशिश होगी इस क्लास में। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, ए अनुपात बी 2:3 दिया है, बी और सी का मान 1:4 दिया है, तो ए सी का मान पूछा जाए या ए बी सी का मान पूछा जाए, आप सवाल देख के फट से उत्तर बता दो, है ना, कितना आसान। जैसे मैं बोलूँ कि इसमें ए अनुपात सी का जो आंसर हो जाएगा वो 2:12 कितना हो जाएगा, 12, मतलब वही जब आप सरल कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 1:12, मतलब समझ गए ना। अभी देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, ट्रिक देखना। देखिए साथियों, इसमें ट्रिक जो है वो कुछ ऐसे होती है, जैसे हमने पहला ट्रिक लिखा, यदि ए अनुपाते बी इक्वल पी अनुपाते क्यू तथा बी अनुपाते सी इक्वल आर अनुपाते यस, तो ए सी बराबर आपका हो जाता है, क्या हो जाता है पता है? देखो मैंने आपको पढ़ाया था पूर्व पद और अंतिम पद, शुरू शुरू में पढ़ाया था ना पूर्व पद और अंतिम पद। तो साथियों, पूर्व पद का पूर्व पद में और अंतिम पद का अंतिम पद में गुणा कर लेते हैं, वही उत्तर हो जाता है। तो देखो इसमें पूर्व पद ये P है, इसमें R है, तो P और R का गुणा कर लोगे, यानी कि P R अनुपाते Q और यस, ये उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई ना? ठीक, तो ये हो गया फाइनल आंसर। उसी तरह का अगर हम सवाल देखें जो हमारे सामने है, ए बी 2:3 दिया है और बी सी देखो इधर 1:4 दिया है, क्या दिया है, 1:4, मतलब समझना। तो यहाँ पर अगर आप ए सी निकालोगे तो ये 2 + 1 = 2 और ये 3 + 4 = 12 हो जाएगा, 2 और 12 ना, लेकिन अभी ये सरल होगा आपस में, तो फाइनल में ए सी बराबर अगर हम लिखें तो हो जाएगा 2 + 2 = 2, 2 × 12 1:6, मतलब बात समझ में आई ना, ट्रिक समझ में आई कि नहीं? नहीं आई तो बता देना तुरंत, बहुत आसान है ना, समझ गए ना। मतलब पूर्व पद का पूर्व पद में गुणा कर लेना है, अंतिम पद का अंतिम पद में कर लेना है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा के लिए ट्रिक समझना, दूसरा सवाल उसी में है ना, एक में 2 सवाल दिए गए हैं, उसके लिए भी समझना, बहुत आसान हो जाएगी मैथ, और हर एक पार्ट देखना, ये दूसरा पार्ट है, हो गया मिटा दें, ठीक समझ गए ना, इसके आधार पर समझ गए ना, 2 का 1 में कर लो, 3 का 4 में कर लो, बस हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर ये सरल हो रहा है, आपस में कट रहा है, तो काट दोगे, और क्यों काटेंगे इसको भी यहाँ पर देख लीजिए। देखिए हम आपको कंपटीशन में तो लेके बैठे नहीं हैं, यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, तो 1 मिनट की बात 5 मिनट में भी समझ में आए तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए जैसे अगर ए अनुपात बी का आंसर आता है लास्ट में 3:6, तो इसको आप ए अनुपात बी बराबर 1:2 लिखोगे, वो उत्तर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सरल हो जाता है। कैसे होता है देखिए, एक्चुअली ए अनुपाते बी का मतलब होता है ए बटा बी, होता है ना, तो भाई इसी तरह से ये 3:6 का मतलब हुआ 3/6, हुआ ना, तो इसको आप काटोगे तो 1/2 आएगा ना, 1/2 मतलब वही 1:2, ये बात समझ में आई ना, एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, ठीक। तो इसमें का पहला हो गया, दूसरा देखिए, वैसे आपके कंपटीशन में ऐसे 1 में 2 सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमने टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है। अब चलिए इसका पहला हल हो गया, दूसरा, दूसरा के लिए पहले ट्रिक देखना, यदि ए और बी दिया है और बी और सी दिया है, और क्या दिया है इसमें, ए सी भी दिया होगा क्या इस तरह वाले में, हाँ जी, इसमें ये नहीं बनेगा, एक मिनट बनेगा,
एसी तो हमने अभी खुद निकाला ना, ये देखो एसी अभी निकाला था ना, 1-6 आया था, कितना आया था, 1-6 आया था ना। हाँ वही, अगर एसी भी दिया होगा तभी आप एबीसी निकाल पाओगे। एसी 1-6, पहले ट्रिक देख लो तब फिर ये सवाल करते हैं। छोड़िए ट्रिक, देखिए ये ट्रिक है, अगर ए अनुपात बी, इसमें मान लो दिया है यक्स अनुपाते वाई, ठीक, और ये दिया है वाई अनुपाते जेड, और ये दिया है यक्स अनुपाते जेड, आप समझना तो कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, पहले आप लिख लोगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ठीक। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें ए बी सी निकालना है, यही तो निकालना है ना। चलो ठीक है, ए बी का मान क्या दिया है इसके नीचे लिखो, ए बी का मान दिया है यक्स अनुपाते वाई, लिख लिया, ठीक। बी सी का मान क्या दिया है, देखिए ध्यान से समझना, बी सी का मान क्या दिया है, बी और सी इसका मान वाई जेड, तो वाई के नीचे वाई लिखना और ये जेड के नीचे, इसके नीचे जेड, ठीक। अब इसका मतलब यहाँ पर समझना, संयोगवश यहाँ पर हमारे ये दोनों नंबर 1 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए ऐसा, अगर हो भी जाएगा तो कोई गड़बड़ नहीं, गुणा हो जाएगा आपस में। चलो ठीक है, एक्स का पकड़ के वाई में गुणा कर दोगे, यानी कि ये यक्स और वाई हो जाएगा, इतना काम खत्म, यहाँ अनुपात लगा देना, ठीक हो गया। अब ये वाई पकड़ोगे, इसमें एक बार वाई में गुणा करोगे, तो वाई का गुणा ये हो जाएगा वाई में, और फिर इसी वाई से आप गुणा करोगे इसमें जेड में, बस इतना ही करना है। तो ये फाइनल में हो जाएगा वाई और जेड, मतलब वाई जेड, ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप कुछ भी अंक बदल के देख सकते हो, कुल मिला के मतलब मैंने समझा दिया कि यक्स से वाई में करोगे, वाई से वाई में, और वाई से जेड में भी, ये आपका हो गया आंसर। ये किसका आंसर हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो चलिए इसी में इस सवाल को करके देख लेते हैं रख के, ये ट्रिक आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखें। देखिए यहाँ पर हमें अगर दो ही पद दिया है तब भी हम निकाल सकते हैं, इससे एसी से कोई मतलब नहीं है, ये उसी लिए ट्रिक होती है, केवल दो पद दिया गया तब भी हम निकाल सकते हैं। तो चलो उसी बेस पे चलते हैं, ए बी और सी निकालना है, ठीक है निकालना है। ए बी क्या दिया है, 2 और 3 दिया है, बी सी 1-4 दिया है, तो यहाँ पे क्या रखोगे, बी सी 1-4, मतलब समझना, हमने ए बी की जगह पे 2-3 रखा, और बी सी की जगह पे देखो बी के 1 और सी की जगह पे 4, बस हो गया। चलिए इसको थोड़ा नीचे अगर लिखें तो ज़्यादा अच्छा आएगा समझ में, चूंकि जगह कम है तो खींचने पे कम अच्छा समझ में आएगा आपको, 1 और 4 है ना, ध्यान से देखना। देखिए अभी मैंने ट्रिक बनाया था कि इसका इसमें गुणा करोगे तो ये 2 1 कम हो जाएगा, कितना पहले लिख देते हैं लगा के, चिन्ह तो समझ में आएगा, ठीक। फिर आप दूसरा वाला अंक पकड़ोगे, इसमें गुणा करोगे एक बार, तो 3 गुणा 1, और फिर इसी से आप इसमें भी करोगे, तो अनुपात का चिन्ह और 3 गुणा 4, ये आंसर आ गया फाइनल में आपका, कितना हो गया, देखो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये 3 चौक 12 हो गया, कितना हो गया, 12। देखो ये अगर किसी एक नंबर से सभी कट जाते तो काट दिया जाता, इसे सरल किया जाता, नहीं कटेंगे इसलिए उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए बी सी बराबर आ गया, कितना आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल ये 2 अनुपात 3 अनुपात 12 आ गया, और ए सी बराबर 1 अनुपात 6 आ गया, बात समझ में आई ना। तो इस तरह के सारे सवाल आप लोग कर ले जाएंगे, हमें ही उम्मीद करते हैं। बोलिए अगर किसी को कोई डाउट है तो निसंकोच बोलिए, कर ले जाएंगे। चलिए देखिए आगे अगला सवाल, बहुत ही ध्यान से देखना, आपको ये एक ही ट्रिक अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बाद में ये ना लगे कि हमने क्लास देखा हमें कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं सीख पाए, कम से कम कुछ तो सीखा आपने, 10 मिनट का टाइम दिया। तो यदि ए बी 1:3 दिया है, बी सी 2:7 दिया है, तो ए सी बताओ क्या होगा, जल्दी से फट से कमेंट करो, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सवाल नंबर ये आपका हो जाएगा 3रा, चूंकि 2 सवाल आप देख चुके हो।
जल्दी बोलिए कितना हो जाएगा, 3a 3b या 3c? मैं बताऊं, देखिए अभी आपको हमने ट्रिक बताया था कि अगर इस तरह के सवाल दिए गए हैं तो आपको पूर्व पद का पूर्व पद में और अंतिम पद का अंतिम पद में गुणा करना है। मतलब तीन का गुणा कर लोगे किस में, ये देखो इसमें आएगा, ये दो में इसके पहले वाले पद में और बाद वाले पद का बाद वाले पद में। तो एक का दो में गुणा करोगे तो दो होगा, तीन का सात में करोगे 21 होगा। सिंपल सी बात है, 2:21 होगा। आ गया ना ऑप्शन नंबर सी सही, इतना बात खत्म, ठीक है। चलिए अब अगर इसमें ए और सी पूछा जाए तो आप निकाल लिए, लेकिन अगर इसी में हम एक और ऑप्शन बना दें तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तब कैसे करोगे? देखना, ध्यान देना, ये तो एक सवाल बन गया आपका तीसरा नंबर। चौथा देखना, सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, अगर थोड़ा सा बदल जाए, यहाँ पर ए सी नहीं, ऐसे पूछ ले ए बी सी क्या होगा। अब बताइए, सवाल नंबर चार हो गया, कैसे करेंगे? पहले ऐसे फट से लिखोगे, कहीं भी थोड़ा सा स्पेस होगा, ए बी सी, हमें ए बी सी निकालना है। ए बी दिया है 1:3 लिख लो फटाफट, बी सी 2:7 दिया है, थोड़ा सा जगह दे के लिख लो 2:7, बस ऐसे बना दो, इसका गुणा इसमें कर लो, इसका इसमें और इसका इसमें, हो गया ना। एक का दो में करो 2:1, तीन का दो में करो 6 और फिर अनुपात, फिर 3:7 में करो 3×7=21। कटेंगे ये आपस में क्या? नहीं कटेंगे ना, यानी कि ए बी सी अगर इसका मान पूछा जाए तो 2, 6 और 21, बोलो है ना कितना आसान। बात समझ में आई ना, जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ गया तो, उसके बाद आगे चलते हैं। ये आप दूसरा भाग देख रहे हो, तीसरा भाग आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो कमेंट करके बताना, पहला भाग भी देख लेना जरूर, ऊपर आई बटन में लिंक दिया होगा, ठीक ना। हाँ, और हाँ, जब ये क्लास ख़त्म होगी तो लास्ट में भी आपको स्क्रीन पे लिंक मिल जाएंगे, तीसरे पार्ट के, दूसरे पार्ट के, जो भी मर्जी देख लेना, जैसे क्लास ख़त्म होगी पूरा क्लास देखना, लास्ट में इंड पे आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। यदि ए अनुपात बी ये 4:3 दिया हो और बी सी ये 3:7 दिया हो तो ए सी बताओ, ए सी क्या आएगा, कमेंट करके बताना। सवाल नंबर पाँचवा है, इसी में हम छठवां कर दे रहे हैं, ए बी सी बताना, मतलब यूज करना इन सभी अंकों को, ए बी सी भी बताना छठवां में, कमेंट करके बताना, हल करना, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक ना। एक सवाल और होमवर्क लिख लो, सातवां, अभी और आगे भी करवाएंगे, भागना मत। यदि पी अनुपात क्यू इक्वल 3:1 और क्यू और आर ये 1 और 2 दिया है तो पी क्यू आर क्या होगा, कमेंट करके बताना। इन्हीं सभी कंडीशन को यूज करते हुए आठवां सवाल बताना, पी आर ना, हाँ पी और आर ये भी बताना। सवाल समझ गए हो ना, कमेंट करके बताना, कोशिश करना, अगली ट्रिक पे हम लोग चलते हैं, ठीक ना। कोशिश ज़रूर करना, बिना कोशिश किए मत जाना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये साथियों। बहुत बड़ी क्लास हो जाती है तो आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, इस वजह से हम बहुत बड़ी क्लास अब नहीं करने वाले हैं, छोटी क्लास होगी, ज़्यादा टॉपिक होगा, जितना होमवर्क दिया उतना कर लेना, अभी पिछली जो क्लास हुई उसको देख लेना, अगर हर दिन जितना भी पढ़ाया जाएगा उतना तैयार रखोगे तो बहुत अच्छा से एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्वालिफाई भी हो जाओगे। लेकिन हाँ, रेडी होना चाहिए, परीक्षा में जाने के बाद ये सभी ट्रिक समझ में आनी चाहिए, ये नहीं कि पहले एक ही दिन में 5-5 घंटे 10-10 घंटे पढ़ लो, वहाँ जाने के बाद कुछ पढ़ लेना पड़े, तो जितना पढ़ो उतना हजम होता जाए, ठीक ना। और जो लोग WhatsApp पे क्लास चाहते हैं, YouTube पे उन्हें दिक्कत हो रही है, वो लोग इस नंबर पर मैसेज करें, उसके लिए उनको 700 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आप RRB TET या फिर CTET या पुलिस भर्ती परीक्षा UPSI या बिहार SI या बिहार कांस्टेबल के लिए या बिहार की जनरल कॉम्पिटिशन के लिए आप कंप्लीट मैथ घर बैठे मंगा सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री की, YouTube पे देखते रहें, PBR स्टडी को सब्सक्राइब करके अभी रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखना, और हाँ इतना ही नहीं, फेसबुक पेज को लाइक कर देना PBR स्टडी के, क्योंकि ये क्लास वहाँ पर भी चलती है, हो सकता है आप इसे फेसबुक पर ही देख रहे हो तो लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, जिससे अगली क्लास भी आपको मिल जाए, ठीक ना।
ज़्यादा जानकारी के लिए pvrstudy.com विजिट करें और वहाँ पर करंट अफेयर PDF फाइल GK GS भी प्राप्त करें। चलते हैं साथियों जय हिंद इन्हीं बातों के साथ, अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा 8 बजे से, आपकी 10th NCERT मैथ होगी, उसे ज़रूर देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण। थैंक यू।